I'm your host Gaurav Sokti. So welcome to our channel Homegram. So today we are covering one of the project on Suna Road, which is well known as NH-248A. We are exactly in front of Raheja Aranya City. It is spreaded over 220 acre land. It is one of the smart city development, so which is having every single green concept. So right now we are going to cover this township and we are going to tell our investors how you can invest here and what kind of appreciation you will be getting. So let's come. हम टाउनशिप के अंदर है, साइट ऑफिस में है, अरण्या सिटी के। ये 220 एकड़ की पूरी स्मार्ट सिटी है जो कि आपकी सोना रोड पे आती है। सबसे पहले हम कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। इस एरिया को साउथ ऑफ गुरुग्राम कहते हैं। सोना एक ऐसी जगह है, ऐसी लोकेशन है जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली गुड़गांव से कनेक्टेड है। सारे के सारे मेन जितने हाईवेज हैं, जिसमें NH-8 है, उससे वेल कनेक्टेड है। और हमारी टाउनशिप भी एक नेशनल हाईवे पे है, विच इज वेल नोन एज NH-248A। इसके अलावा आपको एक पूरा ड्राइव थ्रू, जिसमें हमने दिखाया कि राजीव चौक से क्या कनेक्टिविटी आती है, राजीव चौक से होते हुए सुभाष चौक के बाद वाटिका चौक, और इसी आपको हाईवे पे राजीव चौक से दो फेजेस में आपको एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मिलेगा। सो जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रहा है आपकी राजीव चौक से शुरू होते हुए एस्कॉन टेम्पल तक, फर्स्ट फेज जो कि ऑलमोस्ट डिलीवर होने वाला है, और सेकंड फेज एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का एस्कॉन टेंपल से शुरू होकर आपका जो डीडी गोइंग का यूनिवर्सिटी है वहां तक आता है। सो अगर हम ड्यूरेशन की, टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो आपको आने वाले टाइम में राजीव चौक से लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे इस लोकेशन पे पहुंचने के में। और अगर हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या SPR रोड की बात करें, वहां से आपको मात्र 15 मिनट लगेंगे। सो लोकेशन की जो है सबसे बढ़िया अच्छी चीज ये है कि हमारे जो है मेन मेजर जितने भी हब्स हैं, चाहे हम बात कर ले सोना रोड पे जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, वाटिका बिजनेस सेंटर है, GMD मेगापोलिस है, आयरिश टेक पार्क है, सारे के सारे 20-25 मिनट की वेसिनिटी में आ जाते हैं। फिर ये लोकेशन इतनी ज्यादा अच्छी है कि सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपके, जिसमें GD गोइंग का स्कूल आता है, जिसमें आपका KRN मंगलम यूनिवर्सिटी आती है, ये भी बहुत क्लोज वेसिनिटी में है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो अभी हमारी मेट्रो का एक्सटेंशन हो रहा है गुड़गांव का। सो एक न्यू मेट्रो आ रही है जहां पे हमें वाटिका चौक पे मेट्रो स्टेशन मिलेगा। इसके अलावा जो एक्सटेंडेड मेट्रो जो प्रपोज्ड है वो सोना तक भी आ रही है। इसके अलावा हम आगे चलेंगे तो हमारी लोकेशन से लगभग 5 मिनट आगे आपको KMT कुंडली मानेसर पलवल की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है। सो एक मल्टी जंक्शन सेगमेंट हो गया है जहां पे हमें नेशनल हाईवेज मिल रहे हैं, आने वाले टाइम पे कई नए हाईवेज बन रहे हैं वो मिल रहे हैं, और आप DMIC का आपने बहुत सुना होगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये फ्रेट कॉरिडोर है, वो बिल्कुल हमारी साइड से ही चलता आ रहा है। सो सोना इज अ वेल कनेक्टेड प्लेस विद गुड़गांव, दिल्ली एंड इवन द न्यू हाईवेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो एरिया है इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और IT/SEZ जोन के लिए भी जाना जाता है। सोना का एक IMT जो जोन है वो अलग ही डिफाइन हो रहा है, जैसे आपने IMT मानेसर देखा होगा। सो IMT मानेसर की तरह यहाँ पे 1500 एकड़ में आपका जो है ये सोना में बन रहा है, IMT बन रहा है। तो 1500 एकड़ की अगर आप बात करें, ये बहुत ह्यूज लैंड पार्सल है। तो ऑलमोस्ट 10 लाख जॉब्स विल बी अवेलेबल इन अदर 4-5 ईयर्स, सो वंस दिस इज ऑपरेशनल। तो ये पूरा मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया कनेक्टिविटी के बारे में। आगे अब हम टाउनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। सो टाउनशिप जो है ये 220 एकड़ में पूरी आपको मिलती है। तो 220 एकड़ में आपको जो है विलास मिलेंगे, विलास के अलावा लो राइज मिलेंगे, लो राइज के अलावा आपको हाई राइज ऑलरेडी डेवलप्ड मिलेगा एरिया, और इसमें अक्षरा और अरण्या के Phase 1 और Phase 2 ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। सो इस टाउनशिप में आपको पेव्ड रोड, आपको पार्क्स, आपको क्लब हाउस, सारी की सारी फैसिलिटी मिलेंगी। सोना एरिया की बात कर ले तो सिर्फ 4 टाउनशिप्स हैं जो सोना एरिया में इतनी बड़ी अप्रूव हुई है, प्लॉटेड टाउनशिप। ये दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के अंडर आता है। तो दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना में हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि FAR जो फ्लोर एरिया रेशियो होता है वो नॉर्मल प्लॉट से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि
कि अगर आप बात करें जो सबसे छोटा साइज है हमारा 84 स्क्वायर यार्ड का साइज है, वो उससे शुरू होते हुए 179 स्क्वायर यार्ड तक, गज तक आपको जो साइज मिल जाता है, इसमें आप 4 फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो 4 फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन करने का मतलब ये है कि आप पर फ्लोर भी आने वाले टाइम पे, जैसे यहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट आ जाएगी, तो पर फ्लोर आप जो है इसे सेल आउट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा जो इस पूरी प्रोजेक्ट की बात करूं, अरण्य सिटी फेज 1, अरण्य सिटी फेज 2, अक्षरा फेज 1 एंड फेज 2, ऑल दीज आर डिलीवर्ड। कृष्णा हाउसिंग के नाम से हमारा कमर्शियल है, और कृष्णा हाउसिंग के नाम से हमारे हाई राइज है। कमर्शियल इज येट टू बी डिलीवर्ड, हाई राइज इज ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड फैमिलीज आर लिविंग। सो दिस लोकेशन एंड प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट रेडी। हमने जो अभी फेज निकाला है, 7.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। 7.5 एकड़ में हम सिर्फ 155 प्लॉट लेकर आ रहे हैं। 84 स्क्वायर यार्ड से शुरू होकर 179 स्क्वायर यार्ड तक की जो है आपकी पूरी प्रॉपर साइजेस है प्लॉट्स के। फिर अगर हम बात करें साइज के बाद, ये प्लॉट्स आपकी सारी की सारी जो है अरावली रेंज के आसपास है। सो ये आप पूरा अगर टाउनशिप की बात करें, इसके चारों तरफ अरावली रेंज है। सो ऑटोमेटिकली वंस वंस वी आर वेरी क्लोज टू नेचर, वी फील लाइक दैट दिस इज अ वेरी ग्रीन एरिया। सो आज ऑक्सीजन की कमी हम सब लोगों ने जरूर देखी है, तो एक आपको ऐसी जगह पे जहां पे चारों पांचों तरफ आपको एक अरावली हिल्स मिल रहे हैं, नेचर के आप बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक एड ऑन वैल्यू डालता है आपकी जो है टाउनशिप में, क्योंकि ओपन स्पेस बहुत ज्यादा है। फिर जो है आसपास और जो डेवलपमेंट की मैं बात करूं, तो मेट्रो कनेक्टिविटी जल्दी सोना में आने वाली है। लगभग 4 से 5 साल का टाइम लगेगा, डायरेक्टली हम मेट्रो से कनेक्ट हो जाएंगे। और जो है ये नेशनल हाईवे जो है, इसको वाइडनिंग करने का भी काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और एक लास्ट चीज मैं जरूर आपको बताऊंगा, टाटा हाउसिंग के साथ इनका बड़ा अच्छा कोलेबरेशन हुआ है, रहीजा ग्रुप के साथ। तो आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे टाटा हाउसिंग के लग्जूरियस विलाज मिलेंगे। सो इट विल गिव अ वेरी गुड, यू कैन से इस टाउनशिप को एक 2 से 3 स्टार वैल्यू वाली चीजें मिलेंगी। रीजन क्या है कि एक आपके टाटा हाउसिंग जो विलाज डेवलप करेंगे, तो आज जो लोग प्लॉट्स ले रहे हैं उनको एक एड ऑन वैल्यू इसके साथ मिल सकती है। आपको थोड़ा सा मैं आप रेट के बारे में बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे अभी 35,000 रुपये गज का रेट चल रहा है। तो आप 10% दीजिए और 10% का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट मिल रहा है, तो 31,500 का रेट आता है। आप सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, लगभग 27 से 28 लाख रुपए में आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है, विच इज वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप नेशनल हाईवे पे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक चीज जरूर रहती है कि कोई भी प्रॉपर्टी नेशनल हाईवे के ऊपर है तो लिक्विफाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। और प्लॉट का हमारे नॉर्थ इंडिया में बड़ा अच्छा ट्रेंड है, हम कहीं पे भी प्लॉटेड डेवलपमेंट देखते हैं, डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज हमेशा रहती है। सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है। जैसे मैं सोना में आपको बता रहा था, सिर्फ 4 ही टाउनशिप है जो प्लॉटेड डेवलपमेंट दे रही है। सो ऑटोमेटिकली आने वाले टाइम में यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट की सप्लाई बहुत कम है। सो आपको जो है फ्यूचरिस्टिक बहुत अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइस, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट अस इन गिवन द डिटेल्स बिलो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वी विल बी कवरिंग वन मोर थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, सोना वर्सेस नोएडा एक्सटेंशन। हम अगली वीडियो में ये लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्यों गुड़गांव का सोना रोड नोएडा एक्सटेंशन से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, व्यूइंग आर वीडियो, और डू सब्सक्राइब आर चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।